हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 24 है क्रैश कोर्स का। तो फाइनली देखिए, हम धीरे धीरे हमारे 45th डे के आसपास में, 42nd डे के आसपास में रीच आउट करने वाले। तो आज हमारा 24th डे है, ओके। आज हम पढ़ने वाले मैथ्स में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हालांकि ये जो टॉपिक है लिटिल बिट डिफिकल्ट टॉपिक है, वंस अगेन कल के जैसे रीजनिंग वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा डिसीजन लिया है कि इसके ऊपर हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम डिफ़िकल्ट काइंड के क्वेश्चंस भी करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड। और आज का लेक्चर को हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड रखने की कोशिश की, बिकॉज बहुत सारे लोगों को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए हमने आज का जो लेक्चर है काफ़ी बेसिक लेवल से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाने के लिए उसके हिसाब से हमने लेक्चर बनाया हुआ, ठीक है। तो आज के दिन में हम टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं updatestudio.in हमारी वेबसाइट के ऊपर, और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, भूलना मत, बिकॉज सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ लेके आ रहे हैं। और एक चीज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि आज 18th अप्रैल है, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशंस का, मतलब कि आज लास्ट डेट है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर रजिस्टर नहीं कर पा रहे, आज सिर्फ करेक्शन हो रहा है, क्या ऐसा कुछ है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वेबसाइट्स अभी भी चालू हैं, ओके। CET की वेबसाइट अभी भी चालू है, आप जाके वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, और रात में 11:50 के पहले रजिस्टर कर लीजिएगा, बिकॉज़ उसके बाद में रजिस्ट्रेशन लाइंस एक बार क्लोज़ हो गए तो फिर आप रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू रजिस्टर, ठीक है। चलिए लेक्चर की तरफ आते हैं हम। अब नोट्स एंड वर्कशीट आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर से, QR कोड दिया गया, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इन तीनों के बीच का रिलेशन समझ लेते हैं। तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बीच का रिलेशनशिप होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर किया है, अगर उसको आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, ओके, डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलता है जो चीज़ है वो है स्पीड, ओके। तो वेरी सिंपल, स्पीड, ओके, स्पीड जो भी है उसको फाइंड करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करो, टोटल डिस्टेंस, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर्स अगर मैंने 5 आवर्स में ट्रैवल किया है तो मेरा स्पीड क्या होगा, ओके, तो मेरा स्पीड क्या होगा, तो मैं 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, दैट इज़ स्पीड, ओके। इट्स एन रेशियो ऑफ बिटवीन द डिस्टेंस एंड द टाइम, ठीक है। अगर मैं 5 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करूँ तो 1 घंटे में कितना कवर करूँगा, दैट विल बी 100/5, तो दैट इज़ नथिंग बट 20, दैट मीन्स 20 किलोमीटर्स पर आवर, ओके, 20 किलोमीटर्स का पर आवर इज़ माई KMPH इज़ माई स्पीड। तो इस तरीके से हमको स्पीड मिलता है, ओके। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज ज़्यादा यहाँ पे मैं फार्मूलाज के ऊपर ध्यान नहीं दें, सबसे जो बेसिक फार्मूला है उसी को लेके हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को ट्विस्ट आउट करने की कोशिश की है, कि हमारा मोटिव यहाँ पे ये है कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर्स, ओके, 600 मीटर्स का डिस्टेंस है वो क्रॉस कर रहा है, 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज़ हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ओके। देखो हमको एक चीज़ पता है कि स्पीड इज़ इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास में इस क्वेश्चन में डिस्टेंस है 600 मीटर लॉन्ग एंड 5 मिनट्स टाइम है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल बनता है, लेकिन एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ट्विस्ट क्या है कि ये बोल रहा है कि मुझे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, बट हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो तो मीटर में है और जो टाइम है वो मिनट में है। तो मीटर में अगर हमारे पास में डिस्टेंस है और मिनट में टाइम है और किलोमीटर पर आवर पूछा, तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर मैं 600 मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर, तो कहना राइट 600 मीटर इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 1000, ये बन जाएगा किलोमीटर, राइट, यस और नो, बिकॉज 600 मीटर डिवाइडेड बाय 1000, क्यों, बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, इसीलिए मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया। वैसे 5 मिनट्स को अगर मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/60 आवर्स, राइट, यही होगा 5/60, बिकॉज 1 आवर में कितना
कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स में, इसलिए 5/60 आवर्स। तो अब देखो, अगर स्पीड अगर फाइंड करनी, अब किलोमीटर पर आवर में फाइंड कर दो, किलोमीटर में हमारे पास में यहाँ पे डिस्टेंस भी है और ये हमारे पास में टाइम भी है आवर में, तो इसको लिख देते हैं 600/1000 डिवाइडेड बाय 5/60। ठीक है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया था 600/1000, और ये जो मल्टीप्लाई करूँ तो जो नीचे हमारे पास में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ये इन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 60/5, मतलब कि 5/60 था ना वो 60/5 हो गया। ठीक है, ये देखो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, क्या बचा, 6 6 36 ओके अपॉन 5, तो 36/5 बचा, 5 1 5 7 35 पॉइंट डालेंगे तो, अच्छा एक बचा था तो पॉइंट डालेंगे तो एक क्या क्या ज़ीरो लग जाएगा, तो 10 मतलब कि 2 7.2, तो 7.2 इज़ आवर आंसर, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, आई होप सो, वेरी क्लियर टू यू, सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी आने की संभावनाएं होती हैं आपके एग्ज़ाम में, ओके, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट करें कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव वॉक्ड 20 किलोमीटर मोर द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। अच्छा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो एक पर्सन 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसकी स्पीड है, दो केसेस है, एक में 14 है करेंटली एंड इनिशियली वो 10 था। ठीक है, तो इनिशियली वो 10 था और अभी वो 14 है, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, मतलब जब 14 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा है तो वो 20 किलोमीटर्स मोर वॉक कर रहा है, प्लस 20। अब अगर मैं डिस्टेंस को अज्यूम करूँ, डिस्टेंस कि 10 किलोमीटर की स्पीड से वो x डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो 14 किलोमीटर की स्पीड से कितना कवर करेगा, x प्लस 20 डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, तब क्या बोला है, द डिस्टेंस, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम इज़, वो उसने कितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो बताना है हमको। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया ये हमको बताने का है। चलो, वेरी सिंपल है ये, हमको क्या बताया कि टाइम, ओके टाइम इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, ओके टाइम इज इक्वल टू, और लेट्स राइट इट एज, सबसे पहले स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या रहने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी कॉमन, दैट इज़ टाइम। ओके, तो टाइम कॉमन रहने वाला है, तो टाइम अगर कॉमन रहने वाला है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड देखो पहले केस में और दूसरे केस में टाइम बिकॉज सेम है, ओके ये केस में और ये केस में, दोनों केस में टाइम सेम है ना, सिर्फ स्पीड और डिस्टेंस का फ़र्क आ रहा है, तो चलो टाइम यहाँ पे इक्वेट कर देते, तो डिस्टेंस पहले में क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 20 अपॉन, और स्पीड क्या है 14। ठीक है, और दूसरे में क्या है, एक्स अपॉन 10। ठीक है, तो ये मिल गया, ये 14 इस साइड जाएगा, ये 10 इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, 10x + 20 = 10 × x 10x + 20 × 10 = 200 = 14x। तो ये 10x को उस साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 200x, ठीक है, इज इक्वल टू 10x, तो कितना हो जाएगा 4x, तो x विल बी इक्वल टू 200 अपॉन 4, तो दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 50 आ जाएगा, 4 1 4 5 20, तो 50 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पे क्या बोला, इफ़ अ पर्सन वॉक्स 14 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर्स मोर द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम। तो एक्चुअल डिस्टेंस पूछा है, अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो इनिशियली वो ट्रैवल करता कितना, 50 किलोमीटर, बट क्योंकि उसने 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा से वॉक किया है तो इसीलिए वो वॉक कितना करेगा, प्लस 20, दैट इज 70। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो ऑप्शन है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड इट,
वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में. एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स. ठीक है, तो उसका स्पीड क्या है? ओके, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. पहले तो ये लिख लेते हैं. अब हमारे पास में यहाँ पे स्पीड है और टाइम है. ठीक है, स्पीड और टाइम मतलब इन दोनों रिलेशन, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे समथिंग डिस्टेंस से बनेगा. तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है चलो, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. टू कवर द सेम डिस्टेंस इन वन 2/3 आवर्स. ओके, तो यहाँ पे पहले केस में क्या, पहले केस में डिस्टेंस क्या मिल रहा है हमको? 240 × 5 ये मिल रहा है. दूसरे केस में क्या बोला कि सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करना है इन 2/3 आवर्स. ठीक है, 1/2 by 3 आवर्स इट मस्ट ट्रैवल एट द स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस सेम है ना, तो स्पीड को यहाँ पे बढ़ाना और कम करना है. तो सेकेंड केस में डिस्टेंस विल बी वंस अगेन इक्वल टू, अब हमको यहाँ पे स्पीड नहीं पता तो स्पीड एक्स रख देते हैं, इनटू टाइम पता है ना, टाइम कितना है 1/2 by 3 आवर्स. तो 1/2 by 3 को अभी हम इक्वेट अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी एक्स इंटू 5/3, बिकॉज 3 × 1 = 3 + 2 = 5/3. ठीक है, अब इसको इक्वेट कर देते हैं. चलो इसको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वेट, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 240 × 5 = x × 5/3. तो 5 and 5 कैंसिल ऑन बोथ साइड्स डिवाइडेड, और ये इस साइड जाएगा तो 240 × 3 = x. देयरफॉर एक्स हमको क्या मिल गया यहाँ पे? 720. तो 720 किलोमीटर पर आवर शुड बी द स्पीड. ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन्स इज 7/8. ठीक है, स्पीड 1 और स्पीड 2 कितना है? 7/8 का रेशियो है. इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन्स एट 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स. ठीक है, स्पीड डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, तो स्पीड फाइंड कर सकते हैं क्या सेकेंड ट्रेन का? तो सेकेंड ट्रेन का स्पीड क्या होगा? एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है? 400 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 100. ओके, तो 100 यहाँ पे होता है हमारा. तो स्पीड 2 हमको मिल रहा है. ठीक है, स्पीड 2 हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? स्पीड 2 हमको मिल रहा है 100. ठीक है, क्या पूछा? देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, वेरी सिंपल, यहाँ पे S1 फाइंड करना है हमको, राइट? वी नीड टू फाइंड दिस S1. तो इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो S1 इज इक्वल टू 700/8. तो 8 ones are 8, 8 ones are, ठीक है, 8 8 ones are 64. तो 64 और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में? तो 6 बचा, तो 60. तो 8 7 ones are, ओके, 8 7 ones are + 4 और उसके अगर 0 लगे तो 0.4 and 5. तो 87.5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, वेरी क्लियर, सही चल रहे हैं हम लोग. चलो आगे बढ़ते हैं. अ मैन ऑन फोर ट्रैवल्स, मैन ऑन फोर ऑन टू ट्रैवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट A man on tour travels first 160 kilometer in 64 kilometer per hour at 64 kilometer per hour and the next 160 kilometer at 80 kilometer per hour the average speed. Okay, so average speed पूछा है, तो पहले चलो time निकाल लेते हैं कि कितना time उसको लग रहा है. तो यहाँ पे average speed बताना first 130 kilometers, मतलब कि इन दोनों combination का, ये भी देखो 160 है, ये भी देखो 160 है, तो इन दोनों combination का हमको यहाँ पे average स्पीड निकालना. तो सबसे पहले यहाँ पे चलो टाइम निकालते हैं. तो टाइम क्या होगा? टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस 160 अपॉन स्पीड. तो 64, ठीक है. नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर का सेकेंड T2 कितना है? ये T1 है, ये T2 है. तो ये कितना है? 160 अपॉन 80. ये भी मिल गया, ठीक है, ये भी हमारे पास में आ गया. द एवरेज स्पीड हमको बताना है. अब एवरेज स्पीड बताना, तो पहले इन दोनों का टाइम कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो देखो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 16 ones are 16 and 16 zeros are, और ये कितना होगा? 4 ones are, दैट इज़ नथिंग बट 5/2. और ये कितना हो रहा है? 1 ones are and 2 ones are, तो ये 2 हो रहा है. तो T1 + T2 कितना हो जाएगा? 2 + 5/2,
इज़ इक्वल टू, ये 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 9, तो 9 बाई 2 यहाँ पर टोटल टाइम हो रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा है कि एवरेज स्पीड बताना ना, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं, ओके इसके लिए देखो एक फार्मूला है। एवरेज स्पीड अगर आपको कभी पूछा है ना तो क्या करने का, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू ओके टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 160 प्लस 160 320, ओके टाइम क्या है, ओके व्हाट इज़ द टाइम, दैट इज़ 9 बाई 2। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3200 इंटू 2 अपॉन 9, दैट इज 6400 अपॉन 9। तो 9 7 ज़ा 63, ओके 1 बचा और 1 और 0 तो यहाँ पे 1 10 मिल गया, यहाँ पे तो 10 मिल गया, तो यहाँ पे 10 होता है, 10 होता है तो मतलब कि 1 ज़ा, फिर डेसिमल लगेगा, फिर 3, अच्छा फिर 1 बचेगा तो 10 फिर से आ गया, तो फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा तो फिर यहाँ पे समथिंग रिकरिंग आएगा, तो 71.11 इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, इट टेक्स 8 आवर्स फॉर अ 600 किलोमीटर जर्नी, इफ 220 इज डन बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, इट टेक्स 20 मिनट्स मोर इफ 200 किलोमीटर इज डन बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू दैट ऑफ द कार्स इज, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला, इट टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 600 किलोमीटर जर्नी, ठीक है, 8 घंटा लग रहा है इतने जर्नी कंप्लीट करने के लिए, इफ़ 120 किलोमीटर इज ट्रैवल्ड बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार। अच्छा टाइम का देखो रिलेशन क्या हमको मालूम है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ये टाइम का रिलेशन है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन में टोटल टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर, चलो ट्रेन का स्पीड हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स है और कार का अज्यूम कर लेते हैं कि वाई है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 120 अपॉन एक्स प्लस कितना बच गया यहाँ पे, 480 बचा, बिकॉज 600 माइनस 120 इज इक्वल 480, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड वाले में क्या है कि इट टेक्स 20 मिनट्स मोर इफ़ 200 किलोमीटर इज डन बाई ट्रेन, ओके तो 200 किलोमीटर उसने किससे ट्रैवल किया, ट्रेन से, ओके और क्या बोला है कि बाकी कैसे ट्रैवल किया, रेस्ट बाय कार, तो रेस्ट बाय कार मतलब कि 400 किलोमीटर उसने किससे ट्रैवल किया, कार से, तो वाई ये मिल गया हमको यहाँ पे, ओके अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये मिल गया, अब यहाँ पे टाइम कितना लगा, 20 मिनट्स मोर मतलब कि 9 प्लस 20 9, देखो आवर्स है और 20 मिनट्स है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, तो 20 अपॉन 60, ठीक है, तो 20 अपॉन 60 अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, 3 7 ज़ा, 27 27, और ये 28 अपॉन 3, ये मिल गया हमको, ठीक है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू दैट ऑफ द कार इज, एक्स और वाई के बीच में रेशियो बताना है, ओके वेरी सिंपल। अच्छा इसमें नहीं कर सकते हैं, रेशियो बताना है ना, तो एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। अब एक्स और वाई की वैल्यू अगर हमको ढूंढनी है इसके अंदर, तो कैन वी डू समथिंग टू फाइंड द रेशियो वेरी क्विकली, ओके कैन वी डू समथिंग टू फाइंड द रेशियो वेरी क्विकली यहाँ पे, और एल्स हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा ये, और कोई ऑप्शन नज़र भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखो कैन वी डू वन थिंग, यहाँ पे एक्स अपॉन वाई का रेशियो बताना है ना, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से पहले वाले इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को, तो इसमें हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट इट एज 120 m प्लस 480 n इज इक्वल्स टू 9, एंड इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे कि 200 m प्लस 400 n इज इक्वल टू, ओके इज इक्वल टू कितना,
दिस इज 3 9 27 + 8 28 upon 3, ठीक है, ये मिल गया हमको। नाउ x और y को हमको सॉल्व करना है। ओके, x और y को अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो आपको x और y सॉल्व करने के बाद में एक रेशियो मिल जाएगा। देन इफ यू, ये देखो नथिंग बट ना, ये हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशंस आए हैं, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आए हैं। थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा होगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर एक्स की वैल्यू जो आती है और वाई की वैल्यू जो आती है उसको रिड्यूस कर देना रिड्यूस्ड फॉर्म में, इसमें से कहीं ना कहीं एक आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ फार्मर ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस, ओके, अ फार्मर ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस 160 किलोमीटर, सॉरी, फार्मर ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर्स इन 9 आवर्स। तो 9 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 61 किलोमीटर्स। ही ट्रैवल पार्टली ऑन फुट, तो पार्टली ऑन फुट जिस जितना किया उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक्स, एक्स डिस्टेंस उसने फुट से ट्रैवल किया, तो बचा हुआ कैसे, बाइक साइकिल से किया। तो बाइक साइकिल वाला कितना होगा, 61 - x, जितना भी ट्रैवल किया बाय फुट उसको अगर हम उसके उसमें से x को माइनस कर देंगे तो हमको बाई साइकिल वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो फुट से उसने ट्रैवल किया 4 किलोमीटर पर आवर से, और बाई साइकिल से ट्रैवल किया 9 किलोमीटर पर आवर से। तो देखो हमारे पास में हमको एक चीज़ पता है कि टोटल टाइम दिया ना 9 आवर्स, तो 9 आवर्स टोटल टाइम है हमारे पास में 9 आवर्स। टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम इज़ 9, तो पहले यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया किससे, फुट से, मतलब चल के ट्रैवल किया, वो कितना लगा यहाँ पे, यहाँ पे स्पीड क्या थी इसकी 9, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, x डिस्टेंस, प्लस 61 - x डिस्टेंस, मतलब कि जो बच गया डिस्टेंस था उसको ट्रैवल कैसे किया उसने, बाइसाइकिल से, और उसका स्पीड था, उसका स्पीड यहाँ पे क्या था, ये पहला वाला 4 आएगा और दूसरा वाला 9 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो x की वैल्यू फाइंड तो करनी है ना बस यहाँ पे, तो 9 इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो 9x प्लस 61 into 4 करेंगे तो कितना आएगा, 244, एंड ये माइनस 4x अपॉन 9 into 4, 36, ठीक है, ये आ गया। नाउ 36 को इस साइड भेज दो, तो यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, 36, तो 9 6 9 6 54 4, एंड 5 कैरी, 9 3 27, तो फिर 32 3 2, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 5x माइन प्लस 244 को इस साइड भेजो, 244 को अगर इस साइड भेजोगे तो 324 - 244, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 5x, ये मिल गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलता है हमको, ओके, हाउ मच डू वी गेट, हाउ मच विल वी गेट, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो देखो 0 और 12 में से 4 गया तो 80 80, और ये 5x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 upon 5, और 80 upon 5 है, दैट मीन्स कि 5 1 5 1 और 30 16 बचता है, तो 16 आंसर सी होता है यहाँ पे, ठीक है, ओके, आई होप सो यू अंडरस्टूड इट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ मैन स्टार्ट्स टू together to walk a certain distance, one at 5 km speed and the another one at 4 km per hour speed, ठीक है, तो एक certain distance को two men, मतलब कि दो लोग हैं, एक walk कर रहा है 5 km per hour से, दूसरा walk कर रहा है 4 km per hour की speed से। The former arrives an hour before the latter, देखिए former मतलब कि ये वाला जो person है इसका जो time इसको जो लग रहा है वो कितना, एक hour से half an hour कम है, ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहे हैं, और डिस्टेंस हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। तो पहले वाला जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमको नहीं मालूम, वो डी है, लेकिन उसका स्पीड क्या, 5 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग स्पीड यहाँ पे अज्यूम, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट, हाँ, तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, ओके, व्हाट डू वी गेट, तो हमको यहाँ पे एक चीज़ मिलता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और हमारे पास में यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, और हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में स्पीड दिया हुआ है,
तो डिस्टेंस और स्पीड में, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, तो टाइम विल बी इक्वल टू, ठीक है, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ये भी हमको मिल गया। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टाइम हाफ एन आवर पहले पहुँचेगा ना, अगर ये कितना 5 किलोमीटर की स्पीड से जो चल रहा है, फॉर्मर विल रीच हाफ एन आवर अर्ली, मतलब कि दूसरे वाले को ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो दूसरे वाले को अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो देखो डिस्टेंस तो सेम दोनों वॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं डी, और तो इसको जितना जितना टाइम लग रहा है उसके टाइम से इसके टाइम को अगर माइनस करेंगे तो हमको हाफ एन आवर मिलेगा, ठीक है। तो डी अपॉन फोर, ठीक है, इसका स्पीड, इसका जो भी टाइम लग रहा होगा वो कितना होगा, डी अपॉन फोर माइनस इसका कितना लग रहा है, दैट इज़ डी अपॉन फाइव, ठीक है, डी अपॉन फाइव, और दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है, हाफ एन आवर का, हाफ एन आवर मतलब 30/60, ठीक है, ये इसका डिफरेंस है, तो 30/60 हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो पहले तो ये हाफ हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, 5 × d एंड d इंटू 4, तो 5d-4d अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/2, और ये 20 गया इस साइड, तो क्या मिल गया हमको, हमको यहाँ पे मिलेगा d इज इक्वल्स टू 20/2, दैट इज़ इक्वल टू 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास में डी ऑप्शन एक राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है, तो डी किलोमीटर्स। सो आई होप सो आज का लेक्चर आपको इजी एंड क्लियर एंड अच्छी तरीके समझ में आया होगा, ठीक है। कल के दिन में हमारा 25th डे होने वाला है जहाँ पे हम जीके करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के लिए। ओके, ऑलरेडी हमारा जीके का बंडल लॉन्च हो चुका है, अगर कोई भी परचेज करना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल के ऊपर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है, ठीक है, जिसको हमने हमारे कम्युनिटी सेक्शन में भी शेयर किया है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको जीके बंडल परचेज करना है, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, कोई डाउट्स कुछ भी रहे तो कमेंट कर देना, और मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।